अभिभाषक संघ के चुनाव के नतीजे आए आज सुबह 4 बजे, जिसमें अभिभाषक संघ के अध्यक्ष प्रशांत सिसोदिया चुने गए। वहीं मंगलवार को हुए चुनाव के दौरान चुनावी प्रक्रिया दिन भर देखी गई। चुनाव में 468 के मुकाबले 416 सदस्यों ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया। वहीं मतपत्र की गिनती रात भर चलती रही, जिसमें प्रशांत सिंह सिसोदिया विजयी घोषित किए गए। पता लगा भारत स्टेशन में चार्जर ही नहीं है, तो अध्यक्ष जी 2-4 चार्जर जरूर उपलब्ध करा देना, जिससे ऐसा हो कि समय समय पर लाइव टेलीकास्ट होता रहे। तो मनोज जी और अमित जी, मैं आपका धन्यवाद करना भूल गया था, और मैं मनोज जी सेक्रेटरी साहब से निवेदन करूंगा, मनोज और अमित को माला पहना है। सर, ये हमारी भारत स्टेशन के कर्मचारी हैं, इन्होंने बड़ा सहयोग किया। कल भारत स्टेशन का चुनाव हुआ, उसमें अध्यक्ष और सारी पदों पर काफ़ी गहमा गहमी रही। सुबह 11 से 4 बजे तक वोटिंग हुई और उसके बाद 6 बजे से काउंटिंग शुरू हुई, जो सुबह 5 बजे तक चलती है। इसमें से बड़े उतार चढ़ाव आए, खासतौर पर सेक्रेटरी की पोस्ट पे, कि वीरेंद्र सिंह सिसोदिया 1 वोट से चुनाव जीते। अध्यक्ष का चुनाव लगभग 1 तरफा था, जिन्होंने रिकॉर्ड हिस्ट्री कायम की और 300 वोटों से चुनाव जीता। बाकी पोस्टों के चुनाव भी काफ़ी कश्मकश थे। आने वाली कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई कि आने वाले समय में बहुत अच्छा काम करेंगे। हमसे जितना बन सका था, हमने अपना अपना दायित्वों का निर्वाह किया। आने वाले समय में सभी लोग अपनी नई कार्यकारिणी अपनी दायित्वों का निर्वाह करेंगे। इस वर्ष चुनाव से कुछ दिन पूर्व माननीय हाईकोर्ट के आदेश के पालन में, हम चूँकि भारत स्टेशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया, उसमें टैक्सेशन को भी जगह दी है, महिलाओं के लिए भी एक सचिव का पद दिया है, और कार्यकारिणी में जूनियर्स को और सीनियर्स को भी पद। तो गौरी नंदन जी शर्मा शरद पाराशर और मनोज श्रीवास्तव जी ने बाखूबी अपने दायित्वों का निभाया, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और आप सब पत्रकारों से भी अपेक्षा करता हूँ, समय समय पर हमारी जो गतिविधियाँ हों उसको जनता के समक्ष लाएँ, जिससे सत्य की जीत हो, ये मेरी कामना है। आप क्योंकि पूर्व में भी इस पद को आप सुशोभित कर रहे थे सर, अध्यक्ष के पद को, नए अध्यक्ष के लिए क्या कुछ चुनौतियाँ रहेंगी आपके? निश्चित रूप से चुनौतियाँ तो जीवन भर रहती हैं, नए अध्यक्ष के लिए जो भी चुनौतियाँ होंगी उसका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। चुनौतियाँ कुछ खास नहीं होती, कुछ सुविधाओं का रहता है, कुछ लाइब्रेरी का रहता है, कुछ बार बेंच के बीच कभी कभी संबंधों का किसी कारणवश समन्वय नहीं हो पाता, तो उनका समन्वय स्थापित करना हमारी ड्यूटी रहती है। क्योंकि इस भारत स्टेशन के हम जिम्मेदार अधिक वकील भी हैं और 25-27 साल से वकालत भी कर रहे हैं, तो चूंकि ये भारत स्टेशन हमारी माँ जैसी है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि इस भारत स्टेशन के लिए जितना अच्छा हम करेंगे, जितनी रिस्पेक्ट हम जजों की करेंगे, उतनी रिस्पेक्ट समाज में जजों की भी होगी,